अर्चना जी, सोनी टीवी पे एक बड़ा कमाल का शो आता है, सुपरस्टार सिंगर। यस। पहला सीजन लोगों ने इतना पसंद किया, अब उसका दूसरा सीजन आ रहा है, बड़ा कमाल कमाल का टैलेंट आता है। पर मैं ऐसे ही सोच रहा था, उस टैलेंट को जो जज करने वाले लोग हैं, बड़े धुरंधर लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, हम दोनों नहीं कर सकते जज? आप भी तो करी रही हो इतने सालों से। आई थिंक यू आर राइट, बिल्कुल जज कर सकते हैं, लेकिन गाना तो नहीं गाना पड़ेगा ना उसमें? नहीं, गाना नहीं गाना, सिर्फ जज करना है। हाँ, वैसे कौन सा डरती हूँ मैं गाने से, तुझे तो आता ही है। करते चल। आइए फिर, आज हम जज करेंगे। ओके। और जज भी ऐसा करेंगे, हाँ, कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि हमने जज क्या किया। तो आइए, हमारी जज साहिबा का स्वागत करिए। आइए, हाँ आइए, प्लीज विराजमान होइए जज की कुर्सी पे। आज ये जज करेंगी धुरंधरों को, वो जज जिनका संगीत से बड़ा ही लगाव है, हालांकि लेना देना दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले बुलाते हैं आज के हमारे पहले सिंगर को, हाँ, गुजरात से हिमेश भाई रेशमिया साहब। हेलो सर। हेलो हिमेश भाई, केम छो, मजा मान। आप लोग जज हैं सर? या और मैं कंटेस्टेंट। या सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल फैंटाबुलस। जय माता दी, लेट्स रॉक। हमारी सीनियर जज बताएंगी, क्या बोलती हैं आप? मुझे आपके घर में रोटी चाहिए। रोटी क्या, बर्गर चाहिए, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता, छोले कुलचे, खीर हलवा, सब चाहिए मुझे। मंगवा देना, ये आपके घर आ रही है डिनर करने, ये अपना मेन्यू बताया इन्होंने। थोड़ा भावुक हो गई, बट हाँ, आप मुंबई आ सकते हैं। लेकिन मैं बम्बई आने की, मेरी एक छोटी सी शर्त है। हाँ। जी। वो शर्त ये है कि मेरे साथ, हाँ, जी, कपिल जी, अर्चना जी, हाँ जी, ऑडियंस, आप लोग जज हैं, इतने बड़े जज हैं, तो मैं हमेशा सामने वाले जज को, जिन्होंने म्यूजिक इतना सीखा है, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि एक ही फ्लो में, विदाउट अ ब्रेक, एक सेकंड में बोलना पड़ेगा, सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल फैंटाबुलस, जय माता दी, लेट्स रॉक। सेम टू यू। तो ये मुंबई आ सकते हैं? मेरी तरफ से आप मुंबई आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू हिमेश जी का, हिमेश भाई। वेलकम वेलकम, थैंक यू। हेलो। तो दोस्तों, अब बुलाते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट्स को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, मिस्टर जावेद अली फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली से है, क्या लाए हैं आप मेरे लिए दिल्ली से? अर्चना जी बताइए, आप क्या लाऊं मैं आपके? इनकी बुआ बैठी लाल किले के बाहर, ले आइए उनको। उनके पास किराया नहीं आने का हक है यार वो। अरे मेरा मतलब कि दिल्ली से आए, इतने स्वादिष्ट चीजें वहाँ बनती, क्या लाए आप वहाँ से? अर्चना जी वो गाने वाले हैं, खाने वाले नहीं है आप। अच्छा, हर बात में खाना ढूंढ रही है, हमारा शो कैसे आगे बढ़ेगा? आप मुंबई आ सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक बहुत है, नेविगेशन ऑन करके आइएगा, और अगर नेविगेशन वाली लड़की आपको बोले कि कुछ खाने पीने का सामान लेके आइए, उनको साफ मना कर दीजिएगा कि अर्चना जी बहुत हो गया, वो लड़की का नाम भी अर्चना है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत जावेद भाई का। और दोस्तों, अब बुलाते हैं हमारी नेक्स्ट सिंगर जो आ रही है कोलकाता से, जोरदार तालियां, अलका याग्निक जी। धन्यवाद। ये छोटी सी बच्ची आई है कोलकाता से अपनी मधुर आवाज लेकर। जी कुछ कहना चाहेंगे आप बेबी अलका? नहीं, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ या गाऊँ, मैं कहना चाहती हूँ, अच्छा ना जी, आपके लिए मैं बहुत सारी मिठाई लाई हूँ कोलकाता से। अरे वो हो, वेरी गुड अलका, आप मुंबई आ सकती हैं। एक मिनट, गाना तो गाया नहीं उन्होंने। गाना के क्या है, इतनी मिठाई लाई है मेरे लिए, तो मतलब गाना तो उससे भी ज्यादा मीठा है ना, इनको सब जानते हैं ना। हाँ, तो मेरी मिठाई मतलब वहां पहुंच गई है, तो मेरा काम बन गया है। तो ये मुंबई आ सकती है? अरे मुंबई क्या, मैं इनके घर जा सकती हूँ यार। आइए, स्वागत। आइए अलका जी, अलका जी आप मुंबई आ सकती हैं, आप भी अपने सोफा पे जा सकती हैं, ऐसा जजमेंट हमने कभी देखा नहीं, मिठाइयों में बिक गए।
ये देंगे हमारी इंडस्ट्री को सिंगर, जोरदार तालियां। अच्छा, उन्होंने अभी कहा कि आप मुंबई आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उदित जी आपके पीछे पीछे ना आ जाए, क्योंकि अब जहां भी जाते हैं नारायण साहब पीछे पीछे आ जाते हैं। सीरियसली, पिछली बार जब अलका जी आई थी ना, तो उदित जी साथ आए थे। अच्छा, इस बार आप दोनों के साथ आई हैं, तो आपको कोई अलग नंबर से उन्होंने मैसेज किया धमकी वाला कि अलका जी के साथ तो मैं ही जाऊंगा, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया? अलका, ये क्या सुन रहे हम? ये टॉपिक है ना, अगर ये शुरू हो गया यहाँ, तो फिर हमारा जो असली टॉपिक है वो रह जाएगा। चलिए ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं, हिमेश भाई की तरफ आते हैं। आप देखिए, जब भी इनसे मिलते हैं आधा इंच कम हुए होते हैं ये, है ना? तो मेरे को ये जानना था कि आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको टेटनस के इंजेक्शन लगवाए थे कि फिटनेस के इंजेक्शन? नहीं नहीं, मेरे बहुत फिट है यार, मतलब कमाल है। वजन मेरा ज्यादातर शादी के बाद ही कम हुआ। इत्तेफाक रख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंसान की शादी के बाद। बहुत, मेरा तो एक फेफड़ा कम हो गया। अलग अलग परेशानियां हैं, वजन कम हो गया तो क्या हुआ, नहीं खाने नहीं देती वो, बहुत बहुत परेशान हूं मैं, लेकिन उस परेशानी को नेशनल टेलीविजन पे नहीं बयां कर सकता, आई एम सॉरी। बहुत ही इमोशनल किस्म का शो नहीं है ये, वरना मैं रो देता। लेकिन एचआर है ना, बहुत इंस्पायर करते हैं। कितने लोगों को इंस्पायर किया है, ये कमाल है। मतलब इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा मैंने देखा नहीं अपनी पूरी जिंदगी में, कि इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अभी लगा हुआ हूँ सर, मैं अभी भी करके बताऊंगा और ज्यादा। सर, आपने कभी बीवी के हाथ की मार नहीं खाई? अगर खा लेते तो पता चल जाता। क्यों बदनाम कर रहे हो? खाम खाम बीवियों को बदनाम कर रहे हो। खाम खाम बीवियां थोड़ी मारती, वो तो ऐसे घुमा के, ये वो तो अलग बात है, वो एक्सरसाइज होती है। जैसे आपको पता ही नहीं, आप ही का तो किस्सा सुनाया मैंने। एक दिन मैं इनके घर गया, तो परमीत सर, ये अर्चना जी ऐसे बैठे हुए, परमीत सर ऐसे बैठे हुए हैं, उनका सर यहाँ पे रख के तेज तेरे दिल लगे हुए, मेरे को देख के तो मैं तो बिट्टू की मसाज कर रही थी। बिट्टू चल बेटा, मत किया करो ये सब काम, आइडिया मत दे मुझे तू। अच्छा, जावेद भाई तो आजकल छाए हुए हैं, इनका गाना शिवल्ली क्या सुपर डुपर हिट हुआ है, बहुत बहुत मुबारक आपको। भाई, अब आपको कोई नया गाना ऑफर होता है तो लोग आपसे नेगोशिएट करते हैं या आप सीधा बोलते हैं जावेद झुकेगा नहीं? है? पुष्पा वाला जावेद झुकेगा नहीं? पर भाई कमाल है यार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, जितने भी फैंस हैं, आप लोगों ने इस गाने को इतना बड़ा बनाया है, एंड साथ ही साथ डीएसपी ने ये गाना जो कंपोज किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजी, जब ये मैं ये गाना गाने के लिए गया तो मैं इस गाने को गाने के लिए नहीं जा रहा था, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं सुना आपका ध्यान कहीं और था या कुछ कहीं और जाना चाह रहे थे आप, ऐसे सुना है हमने। नहीं, मेरा, मैं इलैया राजा सर के लिए मैं दो गाने गाने के लिए गया था। अच्छा जी। और मुझे बीच में ही कॉल आया डीएसपी का कि जावेद जी वेयर आर यू, मैंने कहा मैं चेन्नई आ रहा हूँ। ओके ग्रेट, वी वॉन्ट टू डब वन सॉन्ग विद यू एंड आप आ जाए तो कॉल करो। तो मैंने कहा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पहली बार इलैया राजा सर के लिए गाने के लिए आया हूँ तो मेरी आवाज़ थकी हुई नहीं होनी चाहिए, तो मैं पहली दफ़ा उनके लिए, क्योंकि बड़ी तमन्ना थी उनके लिए गाने की, बड़े लेजेंड आदमी हैं इलैया राजा साहब, तो मैंने कहा मैं उनके लिए एकदम उनका गाना करने के बाद में फिर मैं आपके पास आऊँ। ओके डन। तो पहले दिन मैं ऐसे ही वहाँ पे होटल में आराम करता रहा, मुझे बुलाया नहीं गया, ट्रैक रेडी नहीं था, लिरिक्स रेडी नहीं था, जिनके लिए आपने गला बचा के रखा है उन्होंने फोन नहीं किया। उन्होंने नहीं फोन नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे ना फिर वापस डीएसपी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि जावेद जी एक काम करिएगा, आप ये गाना गाने के लिए आ जाइए, और अगर बीच में राजा सर का कॉल आएगा तो आप मेरा गाना छोड़ के चले जाना। लेकिन हुआ ये कि मैं राजा सर के लिए फ्रेश वॉइस रख के लेकर आया था, लेकिन इस गाने में, श्रीवल्ली गाने में मेरी फ्रेश वॉइस यूज, बस यही है ऊपर वाले की डेस्टिनी है। पर जैसा आपका सवाल था ना कि जब आपको नए गाने ऑफर होते हैं तो आप नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, मैं तो गाने का भूखा हूँ और मुझे अच्छा गाना लगता है तो मैं पेमेंट की भी खबर नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं तो गाना गाता हूँ। हिमेश सर, जैसे आप बहुत सारे अपने कंटेस्टेंट्स को बोलते हो ना कि आपका बड़ा पॉपुलर है, जैसे अर्चना जी भी बोल रही थी कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, अच्छी बात है। अब बच्चे आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स, तो बच्चे तो वैसे ही रोटी खाते
तो आपने को लाइन में चेंज किया कि मुझे तेरे घर में चॉकलेट चाहिए, दो मुझे चाहिए, तीन इसको चाहिए। एक्चुअली जब सालों पहले जी ये इन्वेंट हुआ था, तब जेन्युइनली सिंगर्स आ रहे थे, यू नो एक वेव शुरू हुआ था जी, कि नए नए बच्चे नए नए रियलिटी शोज में आते थे, और एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ ये बोला गया था, जो आज आइकॉनिक लाइन बन गई है। लेकिन आज रोटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि रसगुल्ले, पेड़े, चॉकलेट, इससे भी ज़्यादा एक्चुअली बरकत हर घर में आने लगी है। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस तरह जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि हर घर में सोना, हीरे, जवाहरात, मोती। बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने देखा अलका जी भी ना बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे आप, और इतना जैसे होता ना कि मम्मी बैठी हैं सामने, जैसे ये बच्चों को बड़ा प्यार करती ना, वैसे बच्चों की माएं जावेद भाई को बड़ा प्यार करती हैं, है ना? ये भी आपने नोटिस किया होगा। जावेद भैया मम्मी वाले, जावेद भैया मम्मी वाले हम प्यार से कहते हैं इनको, कि सारी मम्मियां आती हैं और कभी भी इन्होंने किसी पप्पा को नहीं देखा। अच्छा, नहीं ये तो झूठ बोलते हैं। मम्मी को ही ये, ऑफ कोर्स एक यू नो कोई भी पप्पा आता है तो उनको बोलते साइड में आप बैठ जाइए, और मम्मी जो है वैसे ही उनकी फैन है। तो घर में जब वो मम्मी पापा जाते होंगे तो क्या होता होगा आपके? तो माँ अगर पूछती भी खाना लाऊं जावेद को खिला जाके, है ना? ऐसे जावेद भाई क्या रीजन, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण क्या है? बड़े शर्मीले हैं ना, तो मैं थोड़ा शर्मीला हूं, पसंद आते हैं कि अच्छा बड़ा शर्मीला है मतलब। अरे क्या बात। और वैसे हिमेश जी बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि कुछ भी कहीं भी कोई बोलता है ना उसको ऐसे पकड़ लेते हैं उसको। किसी के एक पापा को मेरे पीछे लगा दिया था। अरे वो कोई अलग लेवल पे फैन थे, मैंने उनकी आंखों में वो मोहब्बत देखी जो उदित जी की भी नहीं, अलका जी के लिए। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, मैंने सोचा कि ये पापा इस लेवल पे इनके इतने बड़े फैन हैं। तो मैंने कहा पापा अलका जी, वो पापा बेचारे घबरा गए, मैंने और कभी नहीं आएंगे, अब वो शूटिंग में कभी नहीं आएंगे, इतने घबराए उस दिन। और वो सिलसिला ना तकरीबन आधा घंटे तक चलता रहा। नहीं देखो, प्यार तो हम सब अलका जी को करते हैं, इनकी इतनी खूबसूरत वॉइस है, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये डांट भी देती हैं, पता है? अच्छा बड़े बड़ों को आप डांट देती हैं, अब जो बच्चे हैं जो आपके शो में, वो आपको देख के शरारत कर पाते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं? मुझे तो शरारत ही बच्चे ही पसंद है ज्यादा। अच्छा जी, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर शरारत करते हैं, फिर को आपको बुरे लगते हैं? एक एक सवाल मुझे सडनली अलका जी आपसे पूछना है कि उदित जी जो नटखट हैं, वो कयामत से कयामत तक की रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही थे? उस वक्त डरे हुए थे, धीरे धीरे जैसे पॉपुलर होते गए ना उनकी वो खुलते गए वो धीरे धीरे, पहले ऐसे ऐसे चलता था, अभी बहुत जोर जोर से बाहर, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब देखिए, फिर हम उनकी बात कर रहे हैं जी। फिर वो बोलेंगे कि अलका जी के दिमाग में दिल में उदित मैं ही छाया हूँ। हाँ। फिर वो मेरी बात कर रही, मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ। हाँ। ये सब आप लोग ने मुझे फंसाते हैं। चलिए हम टॉपिक जो है चेंज करते हैं। सुपरस्टार सिंगर के जजेस तो हमारे यहाँ पे मौजूद ही हैं। अब वक्त है इस शो के हैंडसम एंकर को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य नारायण। जोरदार तालियां आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पापा बन गए आप। थैंक यू सो मच पाजी, गॉड ब्लेस यू। क्या मैं ये ब्लेजर निकाल सकता हूँ? प्लीज निकाल दो। वेरी गुड, थैंक यू कपिल जी। जी अरे नमस्ते अर्चना जी, क्या बात है अर्चना जी, क्या खूबसूरत लग रही है। माई गॉड, यू आर इवन मोर चार्मिंग देन योर फादर। ओह माई गॉड, थैंक यू सो मच अर्चना जी। फादर इज बुक्ड यू नो एट होम एंड पिताजी खुद नहीं आए, पुत्र को भेज दिया। अब देखिए पुत्र आके बैठा भी अलका जी के पास। वाह अलका जी, अब क्या करें, पूरा नारायण परिवार आपको मोहब्बत करता है, हम क्या करें, आपका दीवाना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उदित जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उदित जी की एक पिक्यूलर हंसी है जी, और वो हंसी आदि बहुत अच्छी तरह हंसता है। Woo!
बस अलका जी अरे एक बात बताओ जब आप शो में अलका जी की बड़ी तारीफ करते हो जी पाजी तो आपके मन से निकलते हैं कि पापा लिख के भेजते हैं कि उनकी तारीफ जरूर करना है कॉम्बिनेशन है पाजी हाँ ऑफ कोर्स अलका जी है ही ऐसी कि दिल से तारीफ निकल ही जाती है जी लेकिन घर से भी बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन मैं सिर्फ वही सब बोलता हूँ जो मैं टीवी पे बोल सकता मतलब ये आदित्य सेंसर करके बोलता है सो दोस्तों शो के गुणी जजेस और होस्ट हमारे साथ हैं अब वक्त है सुपरस्टार सिंगर्स के कैप्टन जो हैं उनको स्टेज पे बुलाने का प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान अली पवनदीप राजन मोहम्मद दानिश साइली कामले एंड अरुणिता कांजीलाल जोरदार तालियां हो जाएं हमारे कैप्टन के लिए आइए विराजमान हो जाइए बड़ा अच्छा लग रहा है पिछली बार आप आए थे सब एज ए कंटेस्टेंट्स आए थे और आज कैप्टन बन के आए बहुत बहुत मुबारक आपको आइए विराजमान हो जाइए अभी दानिश अरे मेरे कैसे कैसे कपिल पाजी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शो के कैप्टन ऐसे होंगे वो शो कैसा होगा वाह क्या बात अच्छा मेरा आप सब कैप्टन से सवाल है कैसा लग रहा है जिस स्कूल से पढ़ के निकले वहीं टीचर लग गए सर कभी सोचा नहीं था चमत्कार लग रहा है सर एकदम कि इतनी जल्दी कैप्टन बन जाएंगे और तो देख लो जज वहीं के जज के जज ही हैं आप कैप्टन बन गए अच्छा आदित्य आपने इतने सारे शो होस्ट किए आप कभी जज नहीं बने तो आपको एंकरिंग में पैसा ज्यादा मिलता है कि आपकी जन्मपत्री में बैठ के कमाने का योग ही नहीं है पाजी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ होस्ट करना साइली जब आप पहली बार हमारे शो पे आए थे तब हमने ये सेगमेंट शुरू नहीं किया था ऑडियंस जो है ना हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े विटी हो चुके हैं बड़ा मजेदार कमेंट्स करते हैं आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं प्लीज हैव अ लुक छोटा हिमेश रेशमिया कितने छोटे लग रहे हो आप 18-19 साल के लग रहे हो चलिए फिर कमेंट्स पढ़ते हैं लोगों ने क्या लिखे हैं दिखाइए 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 जब प्रोड्यूसर का कॉल आ रहा हो और आपकी धुन रेडी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता रात को इतनी क्यों पी थी जो सर पकड़ के शिर पकड़ के बैठे हो शिर पकड़ के बैठे भाई लगी तो आपके भी लगते हैं दो पैग जो शिर लिख रहे हो जब नई नई जिम ज्वाइन करो तो आदमी ऐसे ही हर जगह बॉडी दिखाने की कोशिश करता है आप अपने ही गाने सुना करो दूसरों के गानों से आपको चक्कर आ जाता है और दिखाइए शो टाइम ओहो अलका जी ने ये फोटो डाला है क्या बात है ये कौन है ये दो हैंडसम लोग उदित जी और शानुदा पीतल की जैकेट पहन के नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा मेरी कोई बात हो सकती है बिना उदित जी को बात करे अरे अभी फिर से आप जा रहे हैं आपका फोटो देख के मुझे वो गाना याद आ गया रजिया गुंडों में फंस गई अलका जी उदित जी को बताओ कि आपको नहीं माइक को पकड़ना है अच्छा हुआ अलका जी ये फोटो आपने डाल दिया वरना उदित जी तो शानुदा को एडिट ही करवा देते अगर आपका फोटो हो गया हो तो गाना भी गा दो पीछे ऑडियंस इंतजार कर रही है क्या बात है क्या और दिखाइए ट्रैवलिंग टू ओली ओली कहाँ है जावेद भाई ओली उत्तराखंड में अच्छा बहुत खूबसूरत स्कीइंग होती है वहाँ स्कीइंग रिसॉर्ट है वहाँ पर तो वहाँ ट्रेन नहीं जाती नहीं नहीं हेलीकॉप्टर दिखाइए कमेंट्स हैंडसम लग रहे जावेद भाई आप जावेद भाई सोच रहे हैं दो सीट खाली है सवारी बिठा के तेल का खर्चा बचा लेते हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो कपड़े कितनी देर में सूख जाते हैं देखो आप लोकल ट्रेन की आदत लग जाए तो बंदा हेलीकॉप्टर में भी दरवाजे पे खड़ा रहता है और दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा
कोई अच्छा डीओ लगाया होगा तभी लड़की साथ खड़ी है, वरना रेगिस्तान में इतने पसीने आते हैं ऊंटनी भी लात मार के भाग जाती है। Oh my God. That's a good one, good one. सर ऐसी गर्मी में सुरूर लगे ना लगे लू जरूर लग जाएगी। और दिखाइए रेगिस्तान में आप दोनों क्या देखने गए थे, वहां तो कोई होता भी नहीं। किसी ने रिप्लाई किया वहां कोई नहीं होता इसीलिए तो जाते हैं। हिमेश भाई इस रेत पे बैठ मत जाना वरना दिन में ही आपको तंदूरी नाइट्स गाना याद आ जाएगा। हाँ जी और दिखाइए। स्विट्जरलैंड डायरीज, स्विट्जरलैंड हैशटैग स्विट्जरलैंड अंडरस्कोर वेकेशन हैशटैग स्विट्जरलैंड। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। मुझे तो लगता है ये स्विट्जरलैंड अपने खर्चे पे गए हैं इसीलिए दुखी हैं। मैं तो गोवा जाके फॉरेनर के साथ फोटो खिंचा लेता हूँ, आप तो विदेश जाके भी अकेले खड़े हैं। क्या मतलब है? और दिखाइए। कमाल है लेकिन। आदित्य ने ये फोटो डाला, मैरी क्रिसमस आदित्य और श्वेता। हाँ जी कमेंट्स दिखाइए। योर वाइफ, और किसी की वाइफ थोड़ी उठाएंगे भाई क्या। आदित्य अपना खर्चा उठाते हुए, आई मीन वाइफ को उठाते हुए। जब लड़की के घर वाले कहें तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, ज्यादा बेबी बेबी बोलो ना तो बीवी ऐसे ही गोद में आ जाती है। आपका सही है, इन्हें आप गोद में उठा सकते हैं, हमारी वाली को तो पहाड़ों में खच्चर पर लेकर जाना पड़ता है। आज से कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये तो बहुत। और दिखाइए, हद हो गई। और दिखाइए, सलमान ने फोटो डाला है ये। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑफिशियल सलमान अली, अनऑफिशियल भी है कोई। भाई बालों में कलर कराया है या बालों से दीवार कलर करते हो? जब इंसान डिसाइड ना कर पाए कि प्लेन टी शर्ट पहने या डेनिम की। ओ, दोनों है। गुड आइडिया, मेरी भी दो टी शर्ट फट गई हैं, दोनों को जोड़ के एक बना लेता हूँ। और दिखाइए। धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से यानी कि तबले की तरफ से प्यार भरा। क्या थाप है? तबला कब से बोलने लग गया? क्यों भाई, हम सिर्फ बजने के लिए पैदा हुए हैं। अलका जी के गाने में चूड़ियां बोल सकती हैं, कंगना बोल सकती है, कंगना तो खैर बहुत सारा बोलती है। तबला क्यों नहीं बोल सकता, हमारा हक है भाई। वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माय नेम इज चिंटू त्रिगुणवेदी, सन ऑफ कुमार। ये क्या है? हमारे पिताजी घुंगरू हैं यार। अलका जी, हमारी माता जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। क्या? ये क्या है? हमारी बांसुरी हैं यार मम्मी। और हमारे जो चाचा जी हैं अलका जी, उन्होंने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो भी बांसुरी है? नहीं नहीं, वो उदित नारायण जी हैं। हेलो तबलू लाल जी, इधर क्या करने आए आप? ये सलमान जी है ना, हाँ, हम इनके खिलाफ धरना देने आए हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया तो शो में क्यों बुलाया है? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाई। आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है सलमान जी, हम आपको बताते हैं। आप क्या सिंगिंग में एकदम बिजी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो तबलची हैं वो हमें पीट देते हैं। जब देखो हमारे ऊपर खुशी का मौका है हम पिट रहे हैं, गम का मौका है हम पिट रहे हैं, अगर कुछ नहीं है तो फिर रियाज के नाम पे हम पेल दिए जाते हैं। लेकिन आपको सच बताएं, आप लोग कोई मीटिंग पे जाते हैं तो आपका एक टाइमिंग होता है कि भाई 10 बजे मिलेंगे, 11 बजे, 12 बजे, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, जब जागे तब बजे। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी तो बजते हैं, आप ही अकेले को प्रॉब्लम है। पर बाकी इंस्ट्रूमेंट क्या प्रॉब्लम है, उनका तो ऐश चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमको गिटार से है। क्यों? गिटार से क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमको बताइए, हर हीरो की एंट्री फिल्म में गिटार के साथ ही क्यों होती है? ओहो।
हर इंसान कूल डूड क्यों बन जाता है गिटार के साथ? कभी हीरोज को बोलिए कि तबला के साथ अपनी एंट्री करे? ऐसा तबला के साथ ऐसा हीरोइक एंट्री करे? हम तो कहते हैं शाहरुख खान जी से आप बात की जाए, तबले के साथ हारमोनियम के साथ एंट्री करे तो अब हम देखें। अरे क्यों आए ना, वो सात दिन जो फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब आए थे हारमोनियम तबला लेके, तो सात दिन के लिए आए थे ना, आठवें दिन में उनके हाथ में भी गिटार ही था। सबका गिटार के साथ चल रहा है, हमें समझ में नहीं आता गिटार में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। क्या कहा आपने मेरे बारे में? बहुत बुरा हुआ। इसके साथ मैं तो खुश हूँ। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हूँ टन 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 कुमारी। बजाओ बजाओ, कभी कभार इस पे भी होना चाहिए। बजाओ। हाय हाय, कैसे हैं आप? हेलो हेलो अलका जी, वेलकम बैक। जावेद जी क्या बात है। आदित्य हाय, इतने सारे लोग, ऐसा लगता ही नहीं ना प्रमोशन के लिए आए हैं, ऐसा लगता है इतने सारे लोग हमको धमकी देने के लिए आए हैं। हाँ सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। ओए गिटार वाह, ज्यादा नहीं बज रही हो आज? हम तो सिर्फ बजते हैं, तुम तो पिटते हो। अरे हमारे जलवे तो कमाल के हैं, मैं किसी बेसुरे के गले में भी पड़ जाऊं ना तो लड़कियां उसे सिंगर मान लेती हैं। लेकिन हर एक को नहीं मानती, क्यों दिनेश? और आपकी घमोरिया ठीक हुई कि नहीं हुई? घमोरिया? हमें घमोरिया कहाँ है? तो फिर इतना पाउडर क्यों डालते हो अपने ऊपर? खैर मुझे यहाँ बात करने दो। माय गॉड, कितने टैलेंटेड लोग आए हैं। सलमान अली, वाह वाह क्या कमाल का गाना गाते हैं हिमेश जी। मैं हिमेश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। माय गॉड कमाल। और अपने दानिश जी ने भी क्या गाना गाया था, श्रीवल्ली, कितना सुपर हिट हुआ है वो गाना। जावेद भाई का है। हाँ तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जावेद जी भी कमाल के सिंगर हैं। जावेद जी कमाल है यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदित्य के लिए। क्या बात है आदित्य, आदित्य तो बचपन से काम कर रहे हैं सच्ची में। मतलब बचपन में लोग लॉलीपॉप पकड़ते हैं, इन्होंने बचपन में ही माइक पकड़ लिया था। और वो बेबी को पूछते ना, अरे मम्मी पापा को बेबी के बारे में, आपका बेबी मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है? उदित जी बोलते हैं मेरा बेबी तो काम पे गया है। हाय कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं यार। कैसी चल रही है आप लोगों की नौकरी? ये कौन सी नौकरी करते हैं? अरे सोनी पे इनको गवर्नमेंट जॉब मिली है, पता नहीं कैसे। हाँ आप सोनी टीवी ऑन करो, इंडियन आइडल, सुपर सिंगर, हर जगह ये लोग ही नजर आते हैं। वो एसीपी प्रदुमन के बाद यही लोग हैं जो हर जगह नजर आ रहे हैं। सच्ची बात है। अभी तेरे को मालूम है कपू, ये सोनी कॉलोनी है ना, उस पे इन लोगों को क्वार्टर भी मिला है रहने के लिए। वो तो आप वो लोग तो जावेद जी वो तो अर्चना जी को भी क्वार्टर दे रहे थे रहने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला नहीं मेरे को क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा खंबा चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ना ये गिटार और तबला की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री देख रहा हूँ, लेकिन मैं सपना को बहुत मिस कर रहा हूँ आज। सर मेरा सपना ही तो है ये आधार। सर आप इतने बड़े सिंगर हैं, इतना पैसा कमाते, इतने हैंडसम दिखते, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। आगे आप जो बोलेंगे सब आता है। और बेटे क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तबला जी क्या बोल रहे थे? अरे तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? ज्यादा ज्यादा तो तुम हो गए हो, खा खा के ढोल हो गए हो तबले से। अरे तो हमारा सिटिंग जॉब है यार, उसमें ऐसा हो जाता है, तुम्हारी तरह नहीं है किसी के भी गले में लटक के इधर उधर कूदते फिरे। ज्यादा बोला ना तो उल्टा हाथ का दूंगी मैं। अरे उल्टे हाथ से हम बचते ही नहीं है, हमें बचाने के लिए रियाज करना पड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं है गिटार, किसी भी दिनेश के गले में लटक के बज गए। खबरदार जो दिनेश के बारे में कुछ बोला तो, 12 साल उसने डमरू बजाया है तब जाके गिटार बजाना सीखा है उसने।
डमरू का और गिटार का क्या लेना देना? तो इसका भी और गिटार का क्या लेना देना? नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ. एक्चुअली क्या है, ये सब जोक्स रहते हैं, ये हंसते हैं, हमारा एक एपिसोड बनता है. हमारा नंबर वन शो है, हमारे नंबर वन शो का नंबर वन गिटारिस्ट है. दिनेश के लिए जोरदार ताली. हमारे पूरे बैंड के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी. और खास करके दिनेश के लिए, यू आर टू गुड. अरे सिर्फ गिटार 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 क्यों, आकाश है वहां पे तबला, तबला के लिए जोरदार तालियां हो जाए. हर टाइम गिटार गिटार. तुम ना कॉलेज के लौंडे लपाड़ों में बचती हो. किसी दिन कोई गुरु मिल गए ना, घुटने के बीच में दबा के इधर दबड़ 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 करेंगे ना, तब पता चलेगा तुमको. There is a difference between us. अरे डिफरेंस तो नजर आ रहा है लोगों को. मेरी फिटनेस देखो, सिक्स पैक एब्स. और अपने आप को देखो, ऐसा लगता है चार डमरू का बाप बनने वाला है. आप लोग अकड़ देख रहे हैं इसकी. अकड़ छोड़ो, अभी थोड़ी देर में बकड़ भी दिखाती हूँ मैं तुमको. हाँ तो दिखाओ, फिर हम भी बोलेंगे अकड़ बकड़ बॉम्बे बो. 80-90 पूरे 100. 80-90 पूरे 100 नहीं होते, 80-90 170 होते हैं. पहले अपना मैथ्स ठीक करो. हाँ, इसका मैथ्स ठीक नहीं है, तभी ये दोनों हाथों से बचता है. तुम 100-150 में ही खुश रहो, हम लोग तो करोड़ों के कॉन्सर्ट्स करते हैं. हाँ तो हमारे भी बहुत बड़े बड़े क्लासिकल कॉन्सर्ट होते हैं. अनूप जी पता है, अनूप जी लाइव कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं ना, वो अपना घर पे जलोटा छोड़ जाए लेकिन तबला जरूर ले जाते हैं. और सुनो तबला जी, अगर आपने ज्यादा बकवास की ना, तो अभी हथौड़ी से मैं ठीक कर दूंगी मैं आपको. ढंग की बात करो हमसे, समझी ना, वरना पेल देंगे. एंड यू ऑल्सो प्लीज माइंड योर टंग. अरे अरे कुछ हो रहा है, अरे अरे अरे. अरे 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 अरे. क्या बात है यार, दोस्तों. हमारे अलका जी और जावेद भाई को किसी जरूरी काम के लिए जाना है, अभी उनको निकलना पड़ेगा. जावेद भाई, अलका जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया. थैंक यू. और मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ. जी 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 मैम. कमाल है अलका जी, आप जा रही है. हमारा ये जो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है जी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये सुपर सक्सेसफुल शो होगा. बिल्कुल. सुपर मेलोडियस शो होगा. और मैं चाहूंगी आप सबसे कि प्लीज देखिएगा एंड प्लीज एंजॉय करिएगा. डेफिनेटली डेफिनेटली अलका जी, वी आर वेटिंग. थैंक यू अलका जी, लव यू. जावेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. दोस्तों, हम सुपरस्टार सिंगर के जजेस और कैप्टन से तो मिल ही चुके हैं, अब मिलते हैं शो के कुछ टैलेंटेड बच्चों से. प्लीज वेलकम आर्य नंदा, प्रांजल विश्वास एंड प्रत्यूष. एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए. आइए सर, प्लीज. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, इतना मजा आया, ऐसी म्यूजिक की महफिल लगी. और दोस्तों, साथ ही साथ एक अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, पूरे देश में बहुत गर्मी पड़ रही है. इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने घरों के बाहर, खिड़की पे, दरवाजे पे, छत पे, सड़क के किनारे, जहां आपका मन करे, जहां आपको लगता है पक्षी आते हैं, कोई है ना, स्ट्रे डॉग्स आते हैं या कैट्स आते हैं, जो भी, आप उनके लिए खाने या पीने के लिए कुछ अगर सामान रख सके तो आपको बहुत ढेर सारी दुआएं मिलेंगी. और ज़रूर करिए ये. और हो सके तो घरों में हो रहे पानी की वेस्टेज को ज़रूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है. गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.